चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि यदि समचतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, ये शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ रम्भस, और हिंट दिया है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है डायगोनल्स फाइंड करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसी के अकॉर्डिंग पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, काइट बना लो, ठीक है। इनको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये सभी पॉइंट, और इनके नाम दे दो ए बी सी और डी। ये वर्टिसेस ऑफ रम्बस है, कौन 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 से दिए हैं वर्टिसेस, 3 0, ये पहला ले लेंगे हम 3 0, दूसरा हो जाएगा ये यहाँ पे बी 4 5, सी पे -1 4 रख देना, ये है, वहीं डी पे -2 और -1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंट देखें, प्रोडक्ट और डायगोनल निकालना है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे डायगोनल की, ठीक है। तो गिवन लिखना, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन पे आप क्या लिखोगे, लेट लेट द वर्टिसेस ऑफ रम्बस आर, क्या क्या दी गई हैं, ए पे 3 0, बी पे दिया है -2 -1, सी पे क्या है -1 और 4, एंड ये बी पे नहीं है, डी पे है, ए बी, बी पे 4 5 लिखना, 4 5 लिख देना, सी पे -1 4 हो गया, और डी पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी, डी पे क्या दिया है -2 और -1, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स पहले निकाल लेंगे एसी का, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं x2, तो हम चलते हैं ए और सी पे, तो हमारा ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। चलिए x2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, -1, और x1 की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 3, माइनस साइन है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू देखिए 4, और y1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 का होल स्क्वायर, देन सेम सिंबल है ऐड होंगे, तो -4 का होल स्क्वायर, देन 4 का होल स्क्वायर बिकम, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 32। अब 32 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 8 जा, तो यहाँ पे लेंगे 2 × 2 5 टाइम आएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। ये आप एलसीएम ले लेना ऐसे, अगर आपको डाउट हो ना, आप एलसीएम लेके जरूर करना। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब यहाँ पे जितने भी पेयर बनेंगे इनको बाहर कर देना, ये पेयर बन गया तो 2 आए, एक और 2 बाहर, तो ये हो गया, तो 2 2 जा 4 √2 आया, ये डायगोनल आ गया है, डायगोनल ऑफ ए सी आया। इसी प्रकार अभी ए और सी फाइंड किए हैं, अब हम निकालने वाले हैं बी और डी की लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रखिए लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, बी और डी, फार्मूला अप्लाई करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप रखिए x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए बी और डी पे, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ध्यान रखना x1 और ये हो जाएगा हमारा y1, और ये हमारा होगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है देखिए -2, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे साइन था स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू देखिए, तो y2 है -1 और y1 कितना 5, माइनस साइन। इसके बाद दोनों को ऐड करिए, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। रही बात माइनस साइन की, तो रीजन क्या लिखेंगे, बड़े नंबर पे साइन लगा है माइनस का, ठीक है, यहाँ पे ही बड़े नंबर पे, ठीक है, 36 हुआ, स्क्वायर निकालेंगे, ये भी 36। रही बात प्लस होने की, तो रीजन ध्यान रखना, जब माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस हो जाता है, इन दोनों को ऐड करिए, कर दीजिए ऐड, कितना हो जाएगा 72।
अब 8 नंबर 72 होता है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 2 into 2 into 2, क्योंकि 8 नंबर 72 होता है शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 8 का एलसीएम 2 into 2 into 2 और 9 का 3 3 जा, ठीक है, 8 9 जा 72, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं एलसीएम में, अदरवाइज आपसे ये बनता है तो ये कर लीजिए। पेयर बना 2 का बाहर आया, पेयर बना 3 का बाहर आ गया, बचा गया 2, तो 2 3 जा 6 √2 लेंथ आ चुकी है, तो बीडी की लेंथ भी आ गई और एसी की भी, ठीक है। तो उसके बाद बचा क्या है, एरिया ऑफ नंबर्स निकालना, ठीक है ना। तो चलिए अब निकालते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं इतना सा। अब लिखेंगे एरिया ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 1/2 मैंने इस इक्वल के नीचे ही आपको रख देना था, थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण से मैंने किया 1/2 प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट करना है तो एसी इंटू क्या करेंगे बीडी। अब डायगोनल क्या है, देखिए एसी कितना है 4 √2, तो आप यहां रख दो ब्रैकेट के अंदर 4 √2 करना, और इसका क्या है 6 √2 6 √2 कर दो, समझ में आ गया। लास्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो, देखो 1/2 लिखना, देखो एक चीज देखना, ये सर्च में है, करड़ी में, रूट में, ठीक ना, तो बाहर से बाहर का प्रोडक्ट होता है तो 4 6 जा 24 और अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 into 2, देन 1/2 लिखिए 24 और इसका पेयर बना तो कितना आएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू कर दीजिए तो 24 2 जा 48, इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 24, यूनिट स्क्वायर लिख देना, एरिया जो होती है ना तो उस काहे में आते हैं, स्क्वायर पे आते हैं। अब यूनिट लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर वगैरह है नहीं तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हिंदी में अगर लिखते तो इसको क्या लिखते, वर्ग मात्रक लिख देते ना, या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, या यूनिट स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, अगर कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।